ब्यूटीफुल सी नाइट है गाइस लॉस सैंटोस की, और आपको तो पता ही है ब्यूटीफुल सा नाइट मुझे कितना ज्यादा पसंद है। इसीलिए गाइस मैं अपने स्पोर्ट्स कार को लेकर नाइट में घूमने के लिए आया हूं, और एक्चुअली में गाइस ये नाइट का मोड बहुत ज्यादा ही मुझे पसंद आ रहा है, और इस कार को चलाने में तो रात को और भी ज्यादा ही मजे आते हैं। लेकिन गाइस काश अच्छा होता कि यहाँ पे बारिश आ रहा होता और उसमें मैं हाई स्पीड में गाड़ी चलाता तो और मजा आता। पर एक मिनट रुको, ये कौन लोग हैं जो रास्ते को ब्लॉक करके गाड़ियां लगा रखे हैं साइड में, और ये लोग खड़े हैं? एक मिनट बात कर रहे, देखते हैं ये एक्चुअली में है कौन लोग। अबे ओए गाड़ी हटाओ बे यहाँ से। एक सेकंड गाइस, यार मुझे लगता है ये लोग यहाँ पे चूर चक्के हैं शायद से, और ये लोग मुझे यहाँ पे लूटने के लिए खड़े हुए हैं। ये मेरा जवाब नहीं दे रहा है मेरी बातों का। अबे ओए हट बे यहाँ से। अबे ये कौन है, ये लोग मुझे मार क्यों रहे हैं, वो कह रहा है यहाँ पे? ओ तेरी का, ये कहाँ पे हूँ मैं? एक सेकंड गाइस, यार मैं तो रास्ते में था अपनी स्पोर्ट्स कार लेके रात को घूम रहा था, और अचानक ये कहाँ पे मैं पड़ा हुआ हूँ? एक्चुअली ये कोई तो लिफ्ट लग रहा है मेरे को, जहाँ तक मुझे पता है। आई थिंक हाँ गाइस मैं लिफ्ट के अंदर बंद हो चुका हूँ इस वक्त, और ये लिफ्ट ओपन भी नहीं हो रहा है, मतलब कि गाइस मुझे यहाँ पे बंद कर दिया गया है। एक सेकंड गाइस, यार मुझे लगता है वो उस गुंडों ने मुझे यहाँ पे इस लिफ्ट के अंदर बंद करके रखा है। कोई तो रास्ता होगा इससे बाहर निकलने का, मिनट ये लिफ्ट खराब ना हो जाए। ओके 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 गाइस, फाइनली गेट तो ओपन हुआ है लिफ्ट का, चलो इसे बाहर निकलते हैं। पर ये एक्चुअली है कौन सा जगह? ये -3, मतलब कि ये थर्ड फ्लोर है। आई थिंक मैं -3, मतलब मैं अंदर वाले थर्ड फ्लोर की पे हूँ। मतलब कि गाइस ये कोई बिल्डिंग लगती है मुझे तो, पर बिल्डिंग के अंदर पानी ये कहाँ से आ रहा है? मिनट गाइस, ये जगह कौन सी है पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे लेकर आने वाले लोग कौन थे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इस जगह से बाहर ही करने की कोशिश करते हैं, फिर पता करते हैं कौन थे ये लोग और मुझे क्यों किडनैप किया इन लोगों ने। यहाँ पे ये चल क्या रहा है? एक मिनट, यहाँ पे कंप्यूटर है एक, इस कंप्यूटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डाटा है। ओह माय गॉड, एक्चुअली में गाइस जहाँ पर हम लोग बंद है ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये एक लैब है, और इस लैब के अंदर लिटरली में गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का वायरस रेडी किया जा रहा है। पर ये लोग वायरस क्यों बना रहे हैं? एक मिनट भाई, इन लोग का प्लान क्या है और ये वायरस कहाँ पर बन रहा है इस वक्त? मुझे ढूंढना होगा। जिस भी वायरस को ये लोग बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, लेकिन गाइस ये लोग वायरस को करने क्या वाले हैं? एक मिनट यार, वो वायरस होगा कहाँ? इस रूम को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ओपन ही नहीं हो रहा है, और अंदर कुछ सिलेंडर पड़े हुए, और ये एक एक्स्ट्रा रूम है। मुझे लगता है ये वायरस यहाँ पर भी हो सकता है, पर उससे भी ज्यादा जरूरत ये है कि ये वायरस बनाए क्यों जा रहा है इसके बारे में पता करना है हमें। और ये यहाँ पे लोग कहाँ गए सारे, जो लोग इस यहाँ पे काम करते हैं इस कंपनी के अंदर? एक मिनट, यहाँ पे और भी सिलेंडर्स मुझे नजर आ रहे हैं, शायद ये नहीं हो सकता यार, वो वायरस ये नहीं हो सकता, इतना इजीली कोई नहीं रख छोड़ेगा वायरस को। एक मिनट यार, ये दरवाजा ही लॉक्ड है, हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? गाइस लिटरली बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं, हम लोग बाहर भी नहीं कर सकते। फोन, एक मिनट यार, फोन भी कैसे करेंगे किसी को? हमारे फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2% का नेटवर्क आ रहा है, 2% का नेटवर्क पे कॉल नहीं जा पाएगा। बट वेट, ये हम लोग किसी बिल्डिंग के अंदर है, और बिल्डिंग के अंदर इतने सारे वेपन्स और एयरक्राफ्ट खड़ा है। हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मुझे पता करना होगा हम लोग है कहाँ पे इस वक्त। इतने सारे वेपन्स और इतने सारे एयरक्राफ्ट, ये जगह कौन सा है और मुझे किसने किडनैप किया है? चलो मैंने अपनी जरूरत के लिए यहाँ पे काफी सारे वेपन्स ले लिए हैं, अगर मुझे गुंडों से लड़ना पड़ा तो उससे भी मैं लड़ूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। पर रुको, ये क्या गाइस, हम लोग बिल्डिंग के अंदर नहीं है, ये कौन सा जगह है? यहाँ पर तो गाइस जमीन पे पानी नजर आ रहा है और आसमान में घर नजर आ रहा है लिटरली में, ये कैसे हो सकता है यार? इस आसमान के अंदर घर, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और जमीन पे गाइस पानी, ये कौन सा जगह यार? ये कोई बिल्डिंग तो नहीं लग रहा है मुझे। एक्चुअली में गाइस ये बिल्डिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा शिप है, जिस शिप के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं, और बाहर गाइस बहुत सारे यहाँ पे गुंडे खड़े हुए हैं। मुझे तो लगता है गाइस मुझे यहाँ पे किडनैप करके लेकर आया गया है एक बहुत बड़े समुद्री जहाज के ऊपर, जहाँ पे गाइस हम लोग अकेले फंस चुके हैं। मैं कैसे भी करके इससे यहाँ पे एस्केप करना पड़ेगा, वरना गाइस मुझे लगता है कि ये लोग गंदी तरीके से हमें मारने वाले हैं यहाँ पे। तो एक मिनट, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, मेरे पास ये हथियार है, चल बे।
करके इसको फाइनली इसको पूरी तरीके से खत्म करने ये उठना नहीं चाहिए, वरना ये सभी लोगों को बता देगा कि हम ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेन रीजन तो हमें ये पता करना है कि हम लोगों को यहाँ पे किडनैप करके लाया क्यों गया है, फिर जाके अब कुछ हो सकता है। ओह माय गॉड, लिटरली में गाइस हम लोग एक बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट शिप के ऊपर खड़े हैं इस वक्त और हर तरफ बहुत सारे वेपन्स हैं। मुझे यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट फाइटर जेट ढूंढना चाहिए और उसे लेके यहाँ से उड़ जाना चाहिए गाइस, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन एयरक्राफ्ट ढूंढने से पहले मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है, क्यों मुझे यहाँ पे पकड़ के लेकर आए ये लोग। मुझे जहाँ तक लगता है गाइस इन लोगों का कोई बड़ा प्लान लगता है, मुझे तो प्लान के बारे में पता करते हैं और चेक करते इस जगह पे बन क्या रहा है। मुझे इतना तो पता है यहाँ पे वायरस को तैयार किया जा रहा है, लेकिन वायरस क्यों तैयार किया जा रहा है और ये वायरस को यूज कहाँ पे करने वाले हैं उसके बारे में पता करते हैं। पर रुको, मुझे यहाँ पे किसी की आवाज आ रही है, शायद से सामने कोई है। ओके ओके, यहाँ पे एक सामने बड़ा खड़ा है, एक नहीं दो दो बंदे हैं। एक काम करता हूँ, पहले साइड वाले को मारता हूँ और फिर जो बीच में खड़ा है उसको भी निपटाते हैं, बस इसको पता ना चल जाए। ओके ओके, चल बे तेरी तो। ओ शिट 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 शिट, गलती कर दिया। बट डोंट वरी, किसी को पता नहीं चला है। एक्चुअली यहाँ पे दो बंदे नहीं, यहाँ पे चार चार बंदे खड़े हैं। लिटरली भाई गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे तो। पर रुको, अभी जहाँ पर हैं हम लोग एक्चुअली ये जगह मुझे कंट्रोल रूम लगता है। और इस कंट्रोल रूम में ये क्या है, लोकेशन डिटेक्टर? ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है गाइस ये लोग किसी मिसाइल को लॉन्च करने वाले हैं। यस गाइस, ये लोग किसी मिसाइल को लॉन्च करने वाले हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक मिनट भाई, कहीं ये लोग उस बहुत ही खतरनाक वायरस का इस्तेमाल उस बहुत ही ज्यादा डेंजरस सी रॉकेट में तो नहीं करने वाले हैं? जहाँ तक लगता है मुझे ये सही है, मुझे लगता है किसी बहुत बड़ा यहाँ पे हमला होने वाला है। इससे पहले तुम दोनों को यहाँ पे निपटा दो। अबे चल बे तेरी तो, और तू भी फुट लटक ले। गाइस यार मुझे यहाँ पे समझ में आ चुका है, ये लोग कोई बहुत बड़ी मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा डेंजरस वायरस का यूज करेंगे ये लोग। लेकिन ये लोग कहाँ पर उस वायरस का यूज करने वाले हैं और मिसाइल को कहाँ पे गिराने वाले हैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सबसे पहले तो ये सभी कंट्रोल रूम को खत्म करता हूँ ताकि कोई भी कंट्रोल करने वाली चीज बचे ही ना यहाँ पे। ओके, ये फायर ब्रिगेड को भी करो खराब। चलो, यहाँ पे पूरा का पूरा ये शिप खराब करके जाना है हम लोग को यहाँ से, क्योंकि गाइस यहाँ पे है बहुत ही तगड़ा मिसाइल और ये कभी भी कहीं पर भी फूट सकता है। और ये कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं लगता है मुझे, बहुत बड़ा कंट्रोल रूम बना रखा है यहाँ पे, मतलब कि कोई बहुत बड़ा तगड़ा मिसाइल नहीं लोगों का। एक काम करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है, जल्दी से गाइस पुलिस डिपार्टमेंट को यहाँ पे हम लोग मैसेज भेजते हैं कि ओके पुलिस डिपार्टमेंट चलो यहाँ पे लोग को मेल कर देते हैं। चलो गाइस इस जगह का मेल मैंने कर दिया है पुलिस डिपार्टमेंट को, जब पुलिस डिपार्टमेंट को मेल मिल जाएगा वो लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हमारी हेल्प करने। तब तक गाइस हमारे जो भी हो सकता है हम लोग वो करते हैं और इस जगह को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर देखो लिटरली में बहुत सारी मिसाइल मुझे नज़र तो आ रही है और आई थिंक यही है वो सारी मिसाइल्स जिसका यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला है लोकेशन पे। लेकिन कहाँ होने वाला है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है हम लोग को। लेकिन गाइस इन सभी पे बॉम्ब लगा देते हैं और जब हम लोग इस एयरक्राफ्ट शिप से भागेंगे तब इसे ब्लास्ट कर देंगे, तब ये शिप और ये सारे मिसाइल्स भी यहीं पर ब्लास्ट हो जाएंगे। तब तक गाइस सारी जगह पे बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। रुको, बाहर दो बंदे हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, इनकी बातें सुनते हैं, शायद से किसी प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने जिस बंदे को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए थे वो इस वक्त उस अपने कब्जे से भाग चुका है और वो जरूर इस शिप के अंदर ही आसपास में कहीं घूम रहा है और बहुत सारे जगहों को भी तोड़ फोड़ रहा है, हमारे कंट्रोल रूम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसे पकड़ना होगा हमें और हाँ मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर दो, मिसाइल लॉन्च करना है हमें, ठीक है ना? ओके बॉस, ओके मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। ए, ये क्या हो रहा है? चलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग मिसाइल लॉन्च करोगे? पर गाइस अभी तक हम लोग जो सोच रहे थे कि हम लोग इन सभी का प्लान डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो एक्चुअली कोई प्लान ही नहीं था। यहाँ पर देखो जिस मिसाइल के ऊपर हम लोग बॉम्ब लगा के आ रहे हैं वो तो कोई मिसाइल ही नहीं था, वो तो कोई छोटा मोटा सा रॉकेट था। एक्चुअली मिसाइल तो कुछ और ही है और उस मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी भी चल रही है। एक मिनट भाई, सभी के सभी डिस्प्ले को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करो, जितना हो सके उतना खराब कर देते हैं ताकि ये लोग मिसाइल को लॉन्च ही ना कर पाए। गाइस सारी प्लानिंग इन लोग की हो चुकी है। एक मिनट भाई, हो तेरी, यहाँ पे पता चल गया बहुत सारे बंदों को।
कि मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय स्टार्ट कर चुका हूँ। आने दो इन लोगों को मजा से खाते पहले तो। चलो भाई तुम्हारी ऐसी मरा नहीं क्या, चल मैं मर में तेरी तो। चलो दो बंदे डाउन है और नीचे बहुत सारे बंदे मुझे यहाँ पे बताए सबके सब छिप चुके हैं इस वक्त। मैं चल भाई पीछे क्या देख रहा है, चल चलो 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 सभी को निपटाते हैं और जल्दी जल्दी निपटाते हैं क्योंकि गाइस हमारे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें भी इस शिप से निकलना है। ओके ये पीछे की तरफ छिप के बैठा था, चलो ये भी फिनिश और तू भी कर ये शॉटगन की गोली खा। चलो गाइस आई थिंक जितने भी बंदे थे यहाँ पे निपटा दिया उन लोगों को, लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअली प्लान इन लोग का है क्या। एक मिनट भाई ये क्या, इतने सारे बंदे अभी भी यहाँ पर हैं, इन लोगों को भी निपटाना पड़ेगा यार। बहुत ही बड़ा प्लान लगता है मुझे इन लोगों का। अभी तक हम लोग जिस जिस छोटे मोटे डिस्ट्रॉयर कर रहे थे वो सभी तो छोटे मोटे ही डिस्ट्रॉयर थे। हाँ इन लोगों का प्लान तो कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल का है और उसके बारे में मैं भनक तक नहीं लगी अभी तक। हम लोग बस यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को मेल करते हैं इस लोकेशन के बारे में, पुलिस यहाँ पे पहुँचती होगी। तब तक गाइस हम लोग इन सभी को निपटा के हासिल करने की कोशिश करते हैं। अबे यार ये बहुत सारे बंदे यहाँ पे पड़े पड़े हैं, बहुत सारे, इसको पहले निपटाते हैं। यहाँ पे पूरा पबजी वाला फील मिल रहा है यार मेरे को गाइस, लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं रियल लाइफ का पबजी खेल रहा हूँ। पर बहुत हुआ अभी गोलीबारी, बहुत ही अब सीधा यहाँ पे बारूद से काम चलने वाला है। चलो यहाँ पे बॉम्ब फेंकते हैं और साथ ही साथ गाइस इस एयरक्राफ्ट शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचने वाला है। और एक्चुअली गाइस मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मिसाइल जो था वो अभी मिल चुका है, वो रहा गाइस पीछे वो सबसे बड़ा मिसाइल जिसको यहाँ पे लॉन्च करने वाले ये लोग। लेकिन कहाँ लॉन्च होगा इसके बारे में कोई पता नहीं है हमें, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने 50% प्लान को फेल कर दिया है और जो यहाँ पे लॉन्चिंग डेट है वो शायद ये लोग डिले करने वाले हैं। तो चलो ऐसे ही निकलते, कुछ टाइम हमें मिल चुका है, हम लोग इस रॉकेट को दोबारा से रोक सकते हैं अगर हम लोग वापस यहाँ पे आए तो। चलिए से लॉस एंजेलिस चलते हैं। ओके गाइस यहाँ पर करते हैं अपने एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और चलते हैं सीधा अभी कभी पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाके गाइस सारा प्लान बताते हैं जो भी यहाँ पे हम लोग देख कर आ रहे हैं उस एयरक्राफ्ट शिप के ऊपर, और पुलिस को लेकर यहाँ पे साथ में अभी कभी आते गाइस और पूरा का पूरा ये जो एयरक्राफ्ट शिप है इसको फुल्ली डिस्ट्रॉय कर दें और वहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है उस प्लान को भी खत्म करके लॉस एंजेलिस को बचाते हैं। जहाँ तक मुझे पता है गाइस ये जो डिस्ट्रॉयड होने वाला है बॉम्ब का वो हमारे लॉस एंजेलिस के ऊपर ही होने वाला है क्योंकि सबसे क्लोज में लॉस एंजेलिस ही, और मैंने लोकेशन भी देखा था वहाँ पे लोकेशन भी लॉस एंजेलिस का ही था। तो चलो गाइस चलिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। एक मिनट ये कौन है, एक मिनट ये तो गाइस पुलिस ऑफिसर है, और ये पुलिस ऑफिसर के साथ जॉब जॉब पुलिस वाले के साथ क्या कर रहा है। ओ माई गॉड गाइस लिटरली जॉब तो बहुत ही ज्यादा माइंडफुल लगा, मुझे पता नहीं था चॉप हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है। लिटरली मैं गाइस जब हम लोगों को उस गुंडों ने किडनैप किया था उसके बाद चॉप ने हमें ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। चॉप को पता चल चुका था कि हम लोग गाइस किडनैप हो चुके हैं और चॉप ने हमें पूरे लॉस सेंटोस में ढूंढा पुलिस को लेके, और ये तो गाइस सात समुंदर पार उस एयरक्राफ्ट शिप के ऊपर भी आने वाला था पुलिस वालों को लेकर। लेकिन गाइस यहाँ तक मैं पहुँच गया जिसके बाद पुलिस वालों को लेके ये चॉप सीधा मेरे पास आ चुका है, और लिटरली गाइस इसने सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यहाँ पे खुशबू से पहचान पहचान कर यहाँ तक पहुँच गया। लिटरली में गाइस चॉप ने हमारी बहुत हेल्प करी है और आई थिंक हम लोग यहाँ पे बच के नहीं आ पाते तो चॉप हमें जरूर से बचा लेने वाला था। पर गाइस अभी हम लोग को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा रिपोर्ट लिखवाने और उसके बाद हम लोग आ पाएंगे इस एयरक्राफ्ट को खत्म करने के लिए। तो गाइस यार आप लोग कॉमेंट करके जरूर से बताना कि आप लोग ये वाली वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो। और हाँ गाइस अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कॉमेंट डाउन प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय बाय।